ओ भाई, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन उस हिसाब से मून लाइट है ना गाइस, बहुत ही प्यारी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, और उस हिसाब से मून लाइट भी बहुत है। अरे यार, मुझे ये टेंशन हो रहा है कि ये पानी बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, डैश ऑन कर लेता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? यार मुझे ये बहुत टेंशन हो रहा है कि इतने ज़्यादा अमाउंट में पानी कहाँ से लीक हो रहा होगा। ये देखिए यार, मैं यहाँ पे आया था कि वाटरफॉल चालू है या नहीं देखने के लिए, तो कुछ ही टाइम पहले शायद ये बंद हुआ है, क्योंकि अभी भी पानी ड्रॉप हो रहा है अभी नीचे धीरे धीरे। तो दिखाता हूँ, ये देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी ड्रॉप हो रहा है, तो ये अभी अभी बंद हुआ है शायद। तो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पैसाला। सॉरी, ग्लास के ऊपर ग्लेयर आ रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा कि बहुत अंधेरा है और मैं अभी ऊपर आया हूँ, अराउंड 11:30 पौने 12 बजे होंगे रात के। तो मुझे ये देखना था कि हमारा जो ये फिल्टर है वो कितने बजे तक काम कर रहा है, और शायद गाइस हमारा जो फिल्टर है वो यहाँ से लीक हो रहा है। तो मैं मॉर्निंग में देखता हूँ कि असल में प्रॉब्लम क्या है, इतना सारा पानी क्यों है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना सारा पानी। मेरा फोन गिर गया था बहुत ही जोर से, जैसे कि आपने देखा। तो ये देखिए गाइस, ये प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, ये देखिए बहुत ज्यादा पानी है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा और इसका सोल्यूशन जल्दी ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी का लॉस हमारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो हमारा जो पानी की लेवल है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप होती रहेगी, और इससे पानी बहुत बर्बाद भी होगा, और यहाँ जो है वो पूरा एल्गी उगने लगेगा, और ये बहुत ही स्लिपरी बनेगा, और दिखने में भी ये अच्छा नहीं रहेगा। तो ये रहा हमारा टीरेक्स, सो रहा है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा उसे, जैसे मुँह छुपा के सोया है, जैसे कि हम तकिया लेके सोते हैं उसी तरीके से सोया है। मैं तो सेम ऐसे ही सोता हूँ, तकिया मुँह पे लेके, तो वो भी वैसे ही सो रहा है, लेकिन मैंने उसको डिस्टर्ब किया, ज़्यादा देर डिस्टर्ब नहीं करूँगा। चलिए मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये क्यों चिल्ला रहा है? ये सुबह से बहुत चिल्ला रहा है। ओह अच्छा, तो गाइस इन्होंने खाना खत्म कर दिया है, इसीलिए वो इतना आवाज कर रहे हैं सुबह से। तो मैं इनका खाना भी भर देता और पानी भी, क्योंकि पानी की लेवल भी पूरी नीचे जा चुकी है। देखिए कैसे आवाज लगा के बता रहे हैं कि हम खाना दो कर। ये देखिए जैसे मैं जाता हूँ आगे, चुप हो जाएंगे, वापस उठूंगा और फिर चलते। ये देखिए अंतर को मैंने यहाँ पे बांध दिया है, क्योंकि हमारी मेड आ रही है और उनको काम भी करना होता है, वो डरती है, इसीलिए इसको बांधना पड़ता है। जैसे तो कुछ नहीं करता, लेकिन एग्रेशन से जाता है उनके ऊपर तो वो डर जाते हैं, इसीलिए फिर इसको बांधना पड़ता है। बाय बाय पैंथर, बाय। जैसे दिख रहा है देखो, बाय। उसको पता है सुबह मम्मी या दीदी या कोई भी बांधता है ना, तो उसको अभी आदत हो गई, तो इसीलिए आज मुझे बोला है इसको बांधने के लिए। तो उसको आदत हो गई थी और ये गुस्सा भी करता है, तो इसीलिए आज मुझे बोला था इसको बांधने के लिए। ये देखो यहाँ पे जो अंजीर था वो बर्ड्स ने पूरा ख़त्म कर दिया है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी दिखा था मैंने, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर दिए, रखा ही नहीं है कुछ भी। मैं जल्दी जल्दी जाके इनका खाना भी ले लेता हूँ। ये रहे बाकी के बर्ड्स, इनके भी पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो ये भी भरना पड़ेगा, लेकिन ये मैं शाम को करूंगा या दोपहर को करूंगा, क्योंकि मुझे कहीं किसी काम से जाना है। इतना काफी है, इनका आवाज सुनिए। देखिए मेरा आवाज आया ना, तो अभी चिल्लाना शुरू कर दूंगी। तब मैं इनको खाना देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि ये खाना खत्म हो सके।
करेंगे इनका पानी चेंज, सिंपल लॉक सिस्टम। तो इनका खाना पानी मैंने दे दिया है, अब मैं रेडी होता हूं क्योंकि मुझे एक मीटिंग है, तो मैं वो निपटा के आपको थोड़ी देर में मिलता हूं। तो गाइस अभी मैंने देखा कि दिनेश की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तो देखा कि एकदम से पानी जो है वो एकदम से क्लाउडी हुआ है, इसका रीजन पता नहीं, इसके अंदर ऐसे लग रहा है कि कुछ फ्लोट हो रहा है, जैसे कि देखिए ये देखिए, पता है ना ये क्या है, ये ऐसे जैसे कि कुछ पाउडर डाल दिया हो या फिर कोई लिक्विड डाल दिया हो, ऐसे दिख रहा है, और ये एकदम से अचानक से ये ऐसे क्लाउडी हुआ है। मुझे भी इसका रीजन पता नहीं है कि ये क्या है, तो मुझे अभी इसकी फिक्र हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी इसका पानी चेंज कर लूंगा क्योंकि मेरा बॉन्डिंग इसके साथ अलग ही है, तो मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ हो, तो जल्दी जल्दी मैं ये इसका पानी चेंज करके ही आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा है और इसकी अपडेट्स दूंगा। तो गाइज मैंने इसका पानी तो चेंज कर दिया है, 70% पानी चेंज कर दिया है, अभी फ्रेश लग रहा है, लेकिन ये देखिए ये कुछ शांत शांत पड़ा है, तो मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है क्योंकि ये ऐसे नहीं बिहेव कर रहा, और मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है, रॉ सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि अगर कुछ बैक्टीरिया होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, पानी में भी कुछ इश्यू होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए उसका कलर भी उसने बहुत अलग ही कर लिया है, तो मैं अभी इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी डर लग रहा है और मेरा मूड खराब हो रहा है, तो मैं इसको उसका टाइम दूंगा, खाना डाल दिया है वो मैं निकाल लूंगा क्योंकि देखिए ये भी वापस पानी को खराब कर देगा, वापस भी पीछे पड़ा है, तो ये ऐसे कभी नहीं करता है, जब भी मैं खाना डालता हूँ तुरंत ये खत्म कर देता है, तो अभी मैंने देखा कि ये खाना ही नहीं खा रहा है और एकदम से पानी क्लाउडी हुआ, एकदम से पानी क्लाउडी हुआ, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है और ऐसे पानी क्यों दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब से मैंने इसको लाया। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ हमारे जो नए फिशेज है, जो स्नेक हेड है, मॉन्स्टर फिश, वो दिखाता हूँ जो कि पिद्दी से है, जैसे मैं कहता हूँ कि जो कि पिद्दी से है लेकिन वो मॉन्स्टर फिश है, तो मैंने टेम्परेरी इसमें रखा है, तो मैं जल्द ही आज ही या फिर कल के वीडियो में हम इनको रिलीज करेंगे। मैं कंफ्यूज हूँ दो चीजों में, मैं बताता हूँ आपको किस चीज में। तो सबसे पहले मैं आपको फिशेज दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये देखिए ये रहे हमारे फिशेज, अभी तो फिलहाल छोटे हैं इसीलिए मैंने इनको छोटे बाउल में रखा है, लेकिन ये टेम्परेरी, जैसे मैंने बताया था कल कि मैं इनको टेम्परेरी किसी बर्तन में रखूंगा या बकेट में रखूंगा या किसी चीज में रखूंगा, तो इनको मैंने अभी टेम्परेरी इसमें रखा है, अभी तो इनके लिए ये सफिशियंट है, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तो इसी एक दो दिन में मैं इनको शिफ्ट करूंगा। तो मुझे कंफ्यूजन है कि मैं किस में रखूं, तो मेरा ऐसे चल रहा है कि मैं इन्हें सिकलेट टैंक में रखूं, लेकिन फिर ऐसे मन कर रहा है कि मैं प्योर सिकलेट टैंक ही रखूंगा या फिर मैं इनको पॉन्ड में रखूंगा या बकेट फिल्टर जो है उसमें, लेकिन सोचेंगे पॉन्ड या बकेट फिल्टर या फिर इनके लिए एक छोटा सा पॉन्ड, मिनी पॉन्ड जो है वही डेवलप करेंगे, तो सोचते हैं, सोचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ही, और अगर आपको कोई आइडिया हो, इसमें से कोई पसंद आया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं किस में इनको रखूं। तो टेम्परेरी पर्पज के लिए मैंने इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के रखा है ताकि हमारे जो फिश है वो जंप ना करे, क्योंकि इनकी आदत होती है ये जंप करते हैं, तो इसीलिए एक प्रिकॉशन के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। और ये रहा हमारा फिश बाउल जिसमें हमारे श्रिम्प्स है और जो भी वाइल्ड कॉट श्रिम्प्स है वो भी ऐड कर दिया इसमें, मैंने 6-7 इसमें ऐड कर दिया। और ये रहा हमारा गप्पी जो कि हेल्दी है, उसको भी छोड़ना है पॉन्ड में वापस, अभी इसके अंदर के जितने भी मच्छर के लार्वा थे वो खत्म हो गए हैं। और ये देखिए नए श्रिम्प, ये देखिए स्विम कर रहे हैं, तो इसका लुक कुछ ऐसे आ रहा है। अभी एक प्रॉब्लम हुआ है कि इसके अंदर आपको ये जो लाइन दिख रही है, तो ये लाइन्स पानी की वजह से आई है क्योंकि हमारे टंकी का पानी खत्म हो गया था और इसमें उस टंकी में हमने हमारे बोरवेल का पानी चढ़ा दिया था, तो वो बोरवेल का पानी इसके अंदर गया और आपको पता ही है कि गर्मी बढ़ रही है तो पानी जल्दी जल्दी खत्म होता है, नीचे जाता है, तो मैंने, और ये विंडो में भी है देखिए, यहाँ पे धूप भी आती है तो इसका पानी जो है वह जल्दी जल्दी नीचे जाता है और मेरा ध्यान नहीं गया और उसके ऊपर वाटर स्टेन्स आए हैं जो कि बहुत ही बुरे दिख रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और इसका जो लुक है वो थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है। तो खैर अभी जो है वो है, अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका राउंड शेप है, तो जितना हो सके हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए श्रिम्प्स, अभी ये भी जानने लगे हैं मुझे, मैं इनको फीड करता हूँ तो मैं जब भी नजदीक आता हूँ तो ये सारे ऊपर आने लगते हैं। इनको भी फीड कर दिया है, दिनेश को भी फीड कर दिया था, लेकिन आपने देखा कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी उसका पानी चेंज करके उसके अंदर जो फीड डाला था वो मैंने निकाल दिया है और उसके अंदर सॉल्ट भी डाल दिया है, तो अब वो हील होगा, पानी भी चेंज कर दिया है, देखेंगे उसको मॉनिटर करेंगे। तो यही थे आज के अपडेट्स, मेरा अभी ज़्यादा मूड नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि दिनेश का जो वीडियो था आपने देखा है, तो मेरा मूड अभी नहीं हो रहा है, इसीलिए आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे, कल के वीडियोज़ में मैं उसका जो भी है, जो भी होता है उसके अपडेट्स दूंगा।
तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।